चमकी बुखार से अब तक 180 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ राबड़ी जी हैं। राबड़ी जी, ये बताइए कि अब तक 180 बच्चों की मौत हो गई, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार सरकार है, मंगल पांडे हैं, वहाँ के प्रशासन जो भी है डॉक्टर वो जिम्मेदार हैं। और डॉक्टर की जिम्मेदार हम क्यों समझेंगे, जब व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्री नहीं कर पाएंगे हॉस्पिटल में, पूरा बिहार के हॉस्पिटल एकदम जर्जर हो गया है, कोई जब व्यवस्था भी नहीं है, ना दवा है, ना रुईया है, ना सुई है, ना कोई ब्लड है, ना पानी है चढ़ाने वाला, कोई व्यवस्था नहीं है और कोई उसका इलाज नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रहा है, तो दोषी तो मंगल पांडे है, सरकार भी है, भारत सरकार भी है दोषी। इसमें व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है? भारत सरकार आता है घोषणा करता है कि 100 बेड के तो 500 बेड के हम बनाएंगे, आईसीयू रूम कहाँ बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। 2014 में भी घोषणा किए थे स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय, फिर आए तो वही बतवा बोले, आप लोग भी देखे, आप लोग भी दिखाए, पुराना भी उनका घोषणा पत्र दिखाए, नया भी दिखाए, एक लखन हुआ। अश्विनी चौबे, अश्विनी चौबे कह रहे थे कि चूंकि चुनावी साल था, जो कर्मचारी थे वो चुनाव में लगे हुए थे, तो जागरूकता अभियान ठीक से नहीं ना, चुनाव के लिए अलग है, डॉक्टर चुनाव नहीं कराता है, कंपाउंडर चुनाव नहीं कराता है, नर्स चुनाव नहीं कराती है, अब मुख्यमंत्री चुनाव नहीं कराता है, स्वास्थ्य मंत्री चुनाव नहीं कराता है, ये अपना ढिलाई कमजोरी का चलते चिमकी बुखार हुआ है। और वो लीची खाने से लोग कहता है कि लीची खाने से नहीं हुआ, कॉरपोरेशन का शिकार हुआ है बच्चे, इतना जो रिकॉर्ड है ऑफिस में, जो डॉक्टर के यहाँ जो रिपोर्ट है, तो वो तो उतने बच्चा जो बाहर रास्ता में मर गया, घर में गाँव घर में मर गया, तो वो बच्चा के रिकॉर्ड है नहीं है, तो ये लोग को तो इस्तीफा करना चाहिए। इस्तीफा किसको, मंगल पांडे? स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा करें, हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि इस्तीफा दिलवाइए लोग, और उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो इससे ढिलाई किया है काम को, जो भी हो, मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे डॉक्टर लोग हो, वहाँ के जिम्मेवार आदमी को सजा करना चाहिए। इस्तीफा किसका, स्वास्थ्य मंत्री का या मुख्यमंत्री का? अब दोनों में कोई देना चाहिए, दोनों का कोई देना चाहिए, प्रधानमंत्री ऑर्डर करें इस्तीफा करो। लेकिन प्रधानमंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि ये हम सब की नाकाम जिम्मेदारी लिया है, कि सबकी जिम्मेदारी है, तो यही सब जिम्मेदारी से काम नहीं चलेगा, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई भी घोषणा उनको करना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कार्रवाई की है, कार्रवाई वहीं से करना चाहिए, वहाँ के भी स्वास्थ्य मंत्री आया था, क्या देखा, क्या बनवाया, अश्विनी चौबे हो चाहे सो रहे थे, अश्विनी चौबे तो सोइए रहे थे, आप लोग तो टी वी पर दिखा ही रहे थे, हम लोग भी देखे, देखिए वो अपना बात को रख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, आई अपना सो रहे हैं, झपकी मार रहे हैं, हो गया, चलिए इस्तीफा करें। तो हमारे साथ है राबड़ी देवी, इनका साफ कहना है कि चमकी बुखार मामले में केवल स्वास्थ्य मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।